के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। त्योहारों के मद्देनजर सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया कानून व्यवस्था की समीक्षा। मुहर्रम गणेश पूजा को सकुशल संपन्न कराने के दिए निर्देश। कहा बच्चा चोरी की अफवाह पर भी लगाए लगाम। दरगाह हजरत मुबारक खान शहीद से हुआ माह मुहर्रम के चांद के दीदार का ऐलान। 10 सितंबर को 10वीं मुहर्रम यानी यौम आशूरा इस्लामी कैलेंडर 1441 हिजरी का हो गया आगाज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार, सुनी फरियादियों की फरियाद, संबंधित अधिकारियों को दिए निस्तारण के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मानसरोवर मंदिर के निर्माणाधीन विकास कार्यों के लेकर औचक निरीक्षण, अधिकारियों को गुणवत्ता परख और समय से कार्य को पूरा करने के दिए निर्देश। दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय की स्थापना की 50वीं सालगिरह के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ को अर्पित किया श्रद्धांजलि, किया पौधारोपण। बच्चा चोरी प्रकरण पर गोरखपुर न्यूज से बोले सांसद रवि किशन शुक्ला, बच्चा चोरी सिर्फ अफवाह, विरोधी और असामाजिक तत्व कर रहे हैं साजिश, फिर भी रहें सतर्क, पुलिस है आपके साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुआ डीवीएनडीसी के 50वें स्थापना का 7 दिवसीय समापन समारोह। सीएम ने कहा हमारे शिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम सैद्धांतिक न हो बल्कि हो व्यवहारिक, शासन और शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं के बीच समन्वय बनाने की आवश्यकता। मेट्रो में आ रही बाधा हुई दूर, जल्द मिल सकेगा सीएम सिटी के लोगों को मेट्रो के सौगात। मंडलायुक्त व सदर सांसद ने कहा गोरखपुर में भी दौड़ेगी मेट्रो, शहरवासी कर सकेंगे मेट्रो में सफर। डीवीएनडीसी के 50वें स्थापना के समापन कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में भाग ले रहे एनसीसी स्काउट और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले बच्चों के अनुरोध पर नहीं किया उन्हें निराश, सभी के साथ खिंचवाई फोटो। सदर सांसद रवि किशन ने अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल को किया नमन, जिला जेल स्थित उनकी प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, उतारी आरती, कहा अमर शहीदों के बलिदान को नहीं भुलाया जा सकता। मुख्यमंत्री ने दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा अनुदानित गोरखनाथ साहित्य केंद्र का किया शुभारंभ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय में भर्ती आर्थों के मरीजों को उठानी पड़ रही है काफी दिक्कतें, ओटी के मरम्मत का चलने के कारण समय से नहीं हो पा रहा ऑपरेशन। जिला जेल परिसर में उत्तर की तरफ बन रही बाउंड्री वॉल का सदर सांसद ने किया निरीक्षण, दिए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश। निजी चिकित्सकों के लिए संवेदीकरण कार्यशाला का किया गया आयोजन, निजी चिकित्सकों के अलावा सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी भी बने हिस्सा। हिंदू चेतना मंच एवं आजाद हिंद चेतना मंच द्वारा सम्मान समारोह का किया गया आयोजन, 51 संस्थाओं के लोगों को किया गया सम्मानित। अंतर क्षेत्रीय रेलवे सुरक्षा बल शूटिंग प्रतियोगिता एवं अखिल भारतीय रेलवे शूटिंग बल प्रतियोगिता में सदन रेलवे ने जमाया चल मेहनत पे कब्जा। मुख्य अतिथि ने विजय टीम व खिलाड़ियों को किया पुरस्कृत, कहा कड़ी लगन व मेहनत दिला सकती है ऊंची मुकाम। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के संबंध में आयोजित की गई प्रेस वार्ता, लीवर रोगों के लक्षण, इनके इलाज के विकल्पों तथा जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के संबंध में दी गई जानकारी। और महानगर में पहली बार फैशन कनेक्ट फैशन एंड लाइफस्टाइल एग्जीबिशन का किया जा रहा है आयोजन, 2 दिसंबर को नगर महापौर द्वारा किया जाएगा शुभारंभ।